I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है 26 जनवरी 2023 और मैं हूँ हरेड़ पे, और इस टाइम पे हूँ मैं ग्राउंड पे, क्योंकि भाई मैं घर पे था। मतलब तो भाई मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, तो भाई सब जिसका ब्लॉग देख रहा सब वीडियो बनाने जा रहे हैं भाई, कहीं वहाँ घूमने जा रहे हैं, लेह लद्दाख जा रहे हैं, कोई मनाली जा रहे हैं भाई बर्फ़ देखने। तो मैंने सोचा भाई क्यों मैं क्यों पढ़ूँ घर पर, तो मैंने सोचा भाई मैं भी चलता हूँ कहीं ब्लॉग बनाने। तो भाई मैं आ गया ग्राउंड साइड, तो मैंने सोचा कि इधर ही बना लेते थोड़ा बहुत ब्लॉग, क्योंकि घर पे पड़ा बैठे कुछ नहीं होना था भाई, तो मैं ब्लॉग बनाने आ गया सीधा ग्राउंड पे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग करते हैं ऐसे कंटिन्यू, तो मैं आपको बताता हूँ अच्छी अच्छी जगह इधर हरेड़ पे क्या कुछ है मेरी। तो ग्राउंड साइड बता देता हूँ आपको क्या कुछ व्यू आता है, और क्या कुछ व्यू आता है मतलब, और टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, तो भाई शाम का टाइम हो गया मतलब ऑलमोस्ट। तो इधर व्यू तो बहुत मस्त आते हैं, मैं स्टिक लाना भूल गया भाई, इधर उससे अच्छे आने थे भाई व्यू। तो ऐसे बता देता हूँ आपको व्यू कैसा है इधर का। तो दोस्तों, आप सामने का व्यू देख सकते हो कितना मस्त व्यू आ रहा है, और सामने पड़ी है बर्फ, ये पहाड़ों पे भाई बर्फ़ पड़ी है, तो व्यू तो एक नंबर आ रहा है। इधर से ढग्गी में उस साइड चलो थोड़ा सा, तो देख सकते हो दोस्तों बर्फ़ कितनी अच्छी खूबसूरत लग रही है भाई सामने, और ये सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है, इधर है बीड बिलिंग, तो वहाँ पर भी दिखाई दे रही है दोस्तों बर्फ़, भाई एक नंबर है भाई। मेरा प्लान भी है बिलिंग जाने का, तो देखते हैं कब तक बनता है प्लान जाने का, अब तक तो है ही नहीं। तो दोस्तों, बिलिंग जाएंगे, बर्फ़ देख के आएंगे, तो अभी तक तो भाई मेरा प्लान बन रहा है, तो पहले भाई बजट भी देखेंगे भाई कि भाई अपना बजट कितना है भाई, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भाई उधर जाना है बिलिंग में तो हरेड़ से ज़्यादा गाड़ी वाला ले लेगा भाई 2-3 हज़ार रुपये ले लेगा भाई, तो इतना अभी तक भाई मेरा बजट तो है ही नहीं है जाने का। तो सोच रहे हो भाई इधर ही बना लेते ब्लॉग, उधर अभी है ही नहीं, जब ठीक चल पड़ेगा यूट्यूब चैनल अपना ठीक ढंग से, पैसे मतलब पैसे जोड़ूंगा मैं, उसके बाद ही चलेंगे भाई उधर बीड बिलिंग। मतलब मैं पहले भी गया था बीड बिलिंग, उस मतलब 5-6 साल पहले गया था बिलिंग, तो भाई उस टाइम मेरे पास मतलब मोबाइल नहीं होता था, ब्लॉग तो मैं कर सकता था पर उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं होता था, तो नहीं हुआ दोस्तों मेरे से। अब जाऊंगा मैं दोस्तों उधर बीड बिलिंग, तो पक्का मैं उधर करूंगा मतलब पैराग्लाइडिंग करने का प्लान है मेरा, क्योंकि पैराग्लाइडिंग करेंगे मेरा आज प्लान कहीं और जाने का था, मना था मतलब काम था मेरे को, आज बहुत ज़रूरी काम था मतलब सुबह के टाइम पे, तो भाई वो काम निपटाया मैंने जल्दी से। मेरा प्लान तो था भाई रोज़ भाई मैं सुबह ब्लॉग स्टार्ट करूं, पर टाइम नहीं लगता भाई मेरे को, क्योंकि मैं आजकल 2-3 दिनों से भाई ज़्यादा व्यस्त हूँ, बिजी रहता हूँ भाई, क्योंकि काम बहुत है भाई। तो देखते हैं दोस्तों, और भाई आपको बोर नहीं करता ज़्यादा अपनी बातों से, आसपास चलते घूमते हैं इधर, और आपको भी घुमाता हूँ। और दोस्तों, ये सामने आपको कुछ रोड दिखाई दे रहा है, ये रोड जा रहा है दोस्तों होली चंबा रोड है ये, तो ये जाएगा इधर से भाई रोड, तो मतलब हमारा हरेड़ का मतलब रोड है वो भाई पूरा अब हाईवे बन जाएगा कुछ टाइम पे, पर पता नहीं कब तक बनेगा, और प्लानिंग चल रही है। मतलब ये रोड है सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये बन जाएगा हाईवे, तो कब तक बनता है वो आपको भी लग जाएगा पता। और दोस्तों, बिलिंग में भाई पैराग्लाइडिंग हो रही है, पर आपको दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि बिल्कुल छोटे भाई इधर, तो आपको दिखाई नहीं, बिलिंग तो आपको दिखाई दे रही होगी, वो सामने फेस पे थोड़ा सा दिखाई दे रही है, वो है बिलिंग। इधर से होती है पैराग्लाइडिंग, और नीचे उतरते हैं बीड़ पे, मतलब चुगान जगह है उधर उतरते हैं वो।
पत्ते कैसे हिल रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं बांस के पत्ते आराम आराम से भाई स्लो मोशन में कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस भाई इधर धूप भी चली गई अब तो, और भाई मेरे घर वहाँ पर है सामने, तो भाई वहाँ पर धूप है और अपनी दादी भी आ चुकी है सामने। ये देखते हैं अपनी दादी आ गए, बहुत दिनों के बाद दिखाई दी दादी भी। और भाई देख सकते भाई व्यू तो एक नंबर ही आता है इधर से ग्राउंड से। तो दोस्तों ये आ गए अपनी गाय, तो इनको बांधते अब अंदर क्योंकि शाम का टाइम हो गया और ठंड भी ज़्यादा है। चल पड़े अंदर, तूने चलना अंदर, ये बोल रही है भाई चलते तो अंदर बांध। तो दोस्तों भाई मैं चल पड़ा अब घर, और भाई पुल के पास पहुंच गया, और आज आपको मैं अपना चेहरा ज़्यादा बताऊंगा नहीं, बस व्यू बताऊंगा आपको आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोग बोलते भाई व्यू नहीं बताते हो, तो आज व्यू बताऊंगा आपको। और इधर से चलते हैं मेरे घर पे, यहाँ से जाएगा अब रास्ता घर पे। कोई लोग कभी मतलब मेरे से मिलने आए तो भाई ये पुल याद रखना, इधर से भाई ऐसे आते घर पर। तो ये आ गया अपना घर, ज़्यादा बताऊंगा नहीं भाई, थोड़ा हिंट दे दिया आपको मैंने, और ये फाइनली अपने घर पे पहुंच गए। और ये व्यू देख सकते हैं आप, एक नंबर व्यू आ रहा है इधर से तो, मतलब मेरे इलाके में व्यू तो एक नंबर ही आता है। तो पहुंच गए फाइनली घर पे, इधर चल रहा है दोस्तों काम आजकल, मतलब रास्तों का काम चल रहा है, ये तो इधर बिजी है काम है। तो चलते अब दोस्तों दुकान और लेके आते कुछ खाने के लिए। तो अप्पा पहुंच गए दोस्तों दुकान, काजल देवी, और इधर है दुकान। तो दोस्तों शाम के बज गए भाई 5, और हमारी शाम की चाय बन चुकी, अब इसमें दूध है डालना, तो दूध डाल देते हैं। तो लो फ्रेंड दूध तो डाल दिए मैंने, अब 2 मिनट और लगेगी और अपनी चाय रेडी, तो रात शाम की चाय मतलब रेडी होगी अपनी। तो दोस्तों अपनी शाम की चाय होगी ऑलमोस्ट रेडी, और इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, और मतलब इस ज़्यादा कुछ अब घर पे है नहीं बताने के लिए, तो इसलिए इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं।